नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर बीएड की जो फर्स्ट चरण की है काउंसलिंग जारी है, और आज जैसा कि आज आपकी जो डेट है 12, आज आपके जो कॉलेज अलाटमेंट मिल जाएगा, जो भी आपने चॉइस फिलअप कर रखी है कॉलेज की, और उसमें से जो आप ने चॉइस में भरे हैं कॉलेज, उसमें से कॉलेज आज अलाट कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको कॉलेज जाकर या ऑनलाइन आपको वहां पर फ़ीस पेमेंट करना होगा, और फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपकी सीट वहां पर कन्फर्म हो जाएगी। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है कि अगर आप कॉलेज जो आपने चॉइस फिलअप किए हैं उसमें से अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है उसके बावजूद आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपके जो 5,000 रुपये और 750 रुपये हैं वो आपके वापस रिफ़ंड नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कॉलेज जो आपने चॉइस किए हैं उसमें से कोई कॉलेज नहीं मिलता है, देन आपके जो वो 5,000 रुपये हैं वो वापस हो जाएंगे। 750 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, वो वापस नहीं होती है, लेकिन 5,000 रुपये आपके वो वापस हो जाते हैं। और अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे और जो कॉलेज की फ़ीस वहाँ पर होगी उसमें से 5,000 माइनस करके टोटल फीस आपको जमा करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी और आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कितनी सीटों पर पहले चरण में यहाँ पर काउंसलिंग हो पाई है और अभी कितनी सीटों पर दूसरे राउंड में काउंसलिंग होनी बाकी है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो जैसे ये न्यूज आर्टिकल यहाँ पर आया हुआ है, तो इसमें सारी डिटेल बताई गई। चलिए मैं देख के यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, बीएड दूसरे चरण में 1.22 लाख सीटों के लिए होगी काउंसलिंग। जी हाँ, यहाँ पर दूसरे चरण में यहाँ पर लगभग 1,22,000 सीटों के लिए यहाँ पर काउंसलिंग होगी। बीएड में पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया मंगलवार 12 बजे तक पूरी कर ली गई। इन अभ्यर्थियों को 14 जून तक फ़ीस जमा करनी होगी। जी हाँ, यहाँ पर 14 जून तक आपको फ़ीस जमा करनी होगी। जिन लोगों ने यहाँ पर चॉइस फिलअप कर दिया है और कॉलेज एडमिट जिनको आज हो जाएगा, उन्हें 14 जून तक अपनी फ़ीस जमा करनी होगी। इसके साथ ही 1,22,000 सीटों के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 13 जून से शुरू होकर 15 जून तक चलेगी। बीएड की राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा की रैंकिंग जारी होने के बाद 6 जून से पहले चरण की काउंसलिंग शुरू की गई थी। इसमें 2,12,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था, मगर सिर्फ 92,000 अभ्यर्थियों ने ही पंजीकरण कराया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी कम लोगों ने पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एडमिशन जो है एंट्रेंस देते हैं, लेकिन उन्हें न गवर्नमेंट कॉलेज जब नहीं मिलता है तो वो स्किप कर जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2,92,000 रैंक जिन लोगों की थी उनमें से सिर्फ 92,000 लोगों ने 2,12,000 रैंक तक के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन सिर्फ 92,000 लोगों ने यहाँ पर पंजीकरण कराया था। मंगलवार रात 12 बजे रीकाउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसमें शामिल अभ्यर्थियों को बुधवार को कॉलेज चयन करना होगा। इसके साथ ही सभी अभ्यर्थियों को 14 जून तक अपनी बकाया फीस जमा करनी होगी। मंगलवार रात 12 बजे रीकाउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसमें शामिल अभ्यर्थियों को बुधवार को कॉलेज चयन करना होगा। इसके साथ ही सभी अभ्यर्थियों को 14 जून तक अपनी बकाया फीस जमा करनी होगी। वहीं 13 जून से दूसरे चरण की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, जो 15 जून तक चलेंगे। प्रदेश भर के 2,474 बीएड कॉलेजों में 2,14,775 बीएड कॉलेजों सीटें उपलब्ध हैं, मगर पहली काउंसलिंग में लगभग 92,000 सीटें ही भर सकी हैं। इसके चलते दूसरे चरण में लगभग 1,22,000 सीटों के लिए काउंसलिंग की जाएगी यहाँ पर। तो ये थी दोस्तों पूरी डिटेल, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस न्यूज़ आर्टिकल में पूरी डिटेल आपको बताया गया है कि पहले चरण में कितने लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया और दूसरे चरण में कितनी सीटें अभी बकाया रह गई हैं और कितनी सीटों पर यहाँ पर काउंसलिंग होगी और बाकी सारी डिटेल्स क्या हैं, ये सारी जानकारी इसमें दी गई हैं। तो ये थी दोस्तों आज के यहाँ पर अपडेट बीएड से संबंधित। इसी तरह की नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और बीएड से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं जरूर देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।